अब ये हो गया, जो ऑप्शन सी बीच में सारी कवर हो गई, रेड व्हाइट नॉट ग्रीन की। चलिए अब मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स एंड 20 रुपी 2 कॉइन्स एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जहां पे वर्ड आ जाता है आपका इक्वली लाइकली, इट मींस जो हमारा जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो फेयर एक्सपेरिमेंट है। आगे आप जब हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे जो है आपको जैसे आप लोग फेयर वगैरह देखा हुआ है कोई मेले किसी में गए हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो गेम्स उन्होंने रखी होती है, या आप डाइस को थ्रो करो अगर इतना आएगा तो यू विल गेट अ प्राइज, या फिर बलून्स पे हमने हिट करना होता है कि अगर बलून हिट हो जाएगा, या फिर रिंग्स डालने वाले होते हैं। यू वुड हैव सीन कि उसमें जो है वो आपका देखने में बहुत ईजी गेम है, हम रिंग डाल देंगे हो जाएगा, बट वो इतनी जल्दी डलता नहीं है। रीजन बीइंग कि वो बायस जो है होता है, अनबायस नहीं होता, वो बायस होता है कि उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ जो है किया होता है। जैसे अगर डाइस है तो डाइस में वो 6 वाली साइड, मान लो 6 आने पे आपको प्राइज मिलेगा, तो 6 वाली साइड पे उन्होंने इस तरह से वेट किया होता है कि जब आप उसको रोल करोगे तो 6 नीचे की तरफ आएगा, 6 ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो ये जो है, हाँ, तो ऐसे केसेस जिसमें होते हैं, या फिर जैसे अगर आपने शोले मूवी देखी हो तो उसमें क्या था, कॉइन के दोनों साइड पे हेड था या टेल था, दोनों में से एक चीज थी। देखी हो ये पुरानी वाली शोले थी जो अमिताभ बच्चन वाली, उसमें भी मतलब वो कॉइन जो था वो क्या था, बायस था। मुझे भी अब ध्यान नहीं है कि दैट वाज अ टेल और हेड, तो जो भी था उसमें वो दोनों तरफ सेम ही चीज थी, ठीक है। तो अगर इस तरह का मतलब जैसे है तो ये जो चीजें हैं आपकी बायस हैं, कि अगर कॉइन में दोनों साइड पे हेड ही है तो आप जितनी बार मर्जी उसको टॉस कर लो वो आपका हमेशा हेड ही आएगा। अगर दोनों साइड टेल है तो जितनी बार मर्जी आप उसको टॉस कर लो वो टेल ही आएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल कॉइन लेके चलते हैं, अनबायस्ड कॉइन लेके चलते हैं, फेयर कॉइन लेके चलते हैं, तो उसमें जो हेड और टेल के चांसेस हैं दैट आर इक्वली लाइकली। तो जहां पे वर्ड इक्वली लाइकली आ गया, इट मींस हर जो उसकी आउटकम है उसके आने के चांसेस इक्वल है, तो इट मींस दैट इज अनबायस्ड, ठीक है। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके लेवल पे हैं वो अनबायस्ड के उस पे ही हैं, यानी कि अगर एक कॉइन आप टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ हाफ ही हो। बट सीनियर क्लासेस में जब आप जाओगे तो वो आपको वहां पे गिवन होगा कि ये 3:1 है, यानी कि हेड 3 टाइम्स आता है, टेल 1 टाइम आता है, अगर आप उसको टोटल 4 टाइम्स जो है वो टॉस करते हो तो वहां पे वो आपका बायस होगा। सो इक्वली लाइकली इट मीन्स कि जितने भी कॉइन्स वो उसमें से गिरा रहा है तो हर एक के इक्वल चांसेस हैं बाहर आने के। कॉइन्स कौन कौन से हैं, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100, 50, 20 एंड 10, टोटल कितने हो गए, 180। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 100/180 यानी कि 5/9, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 1 माइनस कर दोगे, ठीक है, सो दिस विल बी 170/180, नॉट अ, अच्छा 5 रुपी कॉइन है, ओके, 17/18। 11th question. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Total kitni ho gayi? 13. What is the probability that the fish taken out is a male fish? 5/13. Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. आपने अब भी देखा होगा जैसे किसी उससे शॉपिंग वाले जो आपके साइट्स हैं वहां से कई बार आता है कि व्हील स्पिनिंग व्हील वाला होता है ऑप्शन की उसको करो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने सबसे ज्यादा वाला दिया होता है उस पर कभी भी एरो हमारा नहीं रुकता है, तो वो भी यही है कि दैट इज बायस्ड। तो उसकी सेटिंग्स इस तरीके से होती है कि वहां पे वो आपका एरो हेड रुकता ही नहीं। चलो अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, विच कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर, 1 से लेके 8 तक के किसी भी नंबर पे ये रुक सकता है,
And these are again equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? 1/8. 1/8. Then an odd number? 1 odd, 3 odd, then 5 odd, 7 odd. So 4 favorable cases ho gaye isme. So this is 4/8, yani ki 1/2. A number greater than 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ye sare numbers aapke greater than 2 hai. तो क्या आएगा यहाँ पे 6/8 यानी कि 3/4. अ नंबर लेस देन 9, सारे नंबर्स लेस देन 9 है तो 8/8 दैट इज 1. क्वेश्चन 13, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. डाई पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 and 5. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6 यानी कि 1/2. A number lying between 2 and 6. जब between आ गया तो इट मीन्स उन numbers को आपने नहीं लेना. कौन कौन से numbers आएंगे? 3, 4 and 5. 1/2. An odd number? 1, 3, 5. 1/2. One card, question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of a king of red color. कार्ड्स का पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है. चलो ओके. हाउ टू फिक्स लैग इन फ्री फायर व्हेन इट इज डाउनलोडेड इन पीसी विद ब्लू स्टैक्स? यस हरजोबन, हरजोबन इज देयर एनी डाउट? अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ. नो मैम. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. Kings कितने होते हैं? Red color के 2. So 2/52. That is 1/26. A face card. Face cards कौन कौन से होते हैं? J, Q and K. So 12/52. 3/13. A red face card. रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6. तो 6/52. कटिंग्स कर लेना आप, नहीं भी करोगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, बट अगेन आप ऑप्शंस हैं तो यू हैव टू सी टू इट. जैक ऑफ हार्ट्स 1/52. स्पेड 13/52. क्वीन ऑफ डायमंड 1/52. चलो अब अगर हम लेते हैं इधर अ किंग और अ रेड कार्ड, एक कार्ड निकाल रहे हैं 52 कार्ड्स में से, इट शुड बी इधर अ किंग और अ रेड कार्ड. रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26. किंग्स कितने हैं? 4. और इसमें से रेड किंग कितना है? 1. जो हमने इधर भी काउंट कर लिया, इधर भी काउंट कर लिया, 2 times काउंट हो गया वो. तो क्या करेंगे उसमें से? 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे. 2 क्यों करेंगे? एक जगह तो उसको काउंट करना है ना. मैंने यहाँ पे भी अभी काउंट किया, यहाँ पे भी काउंट किया, कितने एक्स्ट्रा काउंट हुए? 2 हुए कि 1 हुआ? रेड यहाँ पे भी 2 काउंट हो गए, यहाँ पे भी 2 काउंट हो गए, यानी कि 4 हमने एक्स्ट्रा ले लिए. तो एक जगह से हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर. हाँ जी, वो भी ले सकते हो कि 26 आपके क्या हो गए? रेड कार्ड हो गए. और उसमें उसने क्या कहा? इधर अ किंग. किंग के लिए यानी कि ब्लैक वाले भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो जो 2 ब्लैक रह गए वो प्लस आप कर. ठीक है, अपॉन में, अपॉन में क्या आएगा? ओके, इधर अ किंग ऑफ डायमंड और अ रेड कार्ड. डायमंड वाला किंग 1 और रेड कार्ड. अब इसमें से माइनस करना है कि नहीं? नहीं. क्यों? क्योंकि रेड कार्ड में फिर से डायमंड आ रहा है, तो वो उसी में आपका कवर हो जाए. ठीक है, अपॉन में 52. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. 5 कार्ड्स हैं जिसमें एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है.
One card is picked up at random. What is the probability that the card is queen? Total five cards हैं. इसमें से queen one है, तो 1/5. If the queen is drawn and put aside, queen हमने बीच में से निकाल दी. Then probability that the second card picked up is an ace, 1/4. Is a queen, 0/4. ये चार cards रह गए. चारों में queen कोई नहीं है, तो queen की probability will be 0/4. That is 0. और एस की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4. क्वेश्चन 16. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस. कितने हो गए टोटल डिफेक्टिव? 12 गुड वंस, 132, तो टोटल 144. वन पेन इज, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. Probability that it is a good one, 132 upon 144. Cuttings कर लेना फिर अपने. A lot of 17th question. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 bulbs में 4 defective हैं, तो non defective कितने हो गए? 16. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Defective. 4/20, that is 1/5. Suppose the bulb drawn is not defective and is not replaced. पहला बल्ब जो निकाला वो नॉन डिफेक्टिव था, वापिस नहीं रखा. टोटल बल्ब कितने रह गए? 90. Then bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that it is not defective? पहला बल्ब उसने निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया, that was not defective. यानी कि 16 की जगह एक जो हमने बाहर रखा तो 15 रहेगा. अब दैट विल बी 15/90. तो प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव इज 15/90. अब 18th क्वेश्चन. अ बॉक्स भावेन, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. 1 से लेके 90 तक नंबर्स लगे हुए हैं उस पे. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a two-digit number. One से लेके 90 तक numbers हैं. Two-digit numbers 10 से लेके 90 तक हैं. कितने बनेंगे? अदरवाइज आप एपी से निकाल सकते हो. फर्स्ट नंबर आपको 10 गिवन है, लास्ट नंबर आपको 90 गिवन है, तो आप एपी का ही कंसेप्ट यूज कर सकते हो. कॉमन डिफरेंस इज 1. उसके बाद है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आएंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 64, 85, 100. इतने ही बने, 100 है नहीं अभी इसमें. ठीक है, कितने बने ये? तो 9/90. परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अच्छा ये हो गया. अ नंबर डिविजिबल बाय 5. इसको भी एपी से निकाल सकते हो. इनका नंबर डिवाइड बाय टोटल. क्वेश्चन नंबर 19. अ चाइल्ड हैज अ डाई विद हूज 6 फेसेस आर द लेटर्स एज शोन ए बी सी डी ई ए. द डाई इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? टोटल 6 आउटकम्स हैं. ए दो बार आ रहा है, तो 2/6. बी की 1/6. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, चलो वैसे वर्बली बता दो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1? कंसेप्ट क्लैरिटी. ऑप्शनल में से क्योंकि आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं भी ये करवा रही हूँ. बोर्ड में हम रिस्क नहीं ले सकते. ऑप्शनल में से भी इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी, बेशक उन पे लिखा हुआ है.
क्योंकि वो मे बी एग्जाम्पलर में दिए होंगे आपको, दैट्स व्हाई। अब ये बताओ कैसे करना है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर नहीं बताई थी आपको, नाइन्थ में करनी है, टेंथ में भी करनी है। बोर्ड का जो पेपर है आपका वो एनसीईआरटी की बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही आता है। और इस बार मैं बार बार कह रही हूँ आपको, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो रिस्क फैक्टर आप लोगों के लिए ज्यादा है, जरा सी कैलकुलेटिंग मिस्टेक मतलब पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब मान लो कि आप ड्राई को ड्रॉप करते हो रेक्टेंगुलर रीजन में, ये आपको रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है, डायमेंशन क्या गिवन है इसकी, और इसमें 1 मीटर डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। What is the probability that it will land inside the circle? तो आपने क्या करना है, एरिया इसका निकाल लेने, कितना आएगा 6 meter square रेक्टेंगल का, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर कितने, तो पाई बाय 4 आ गया। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, दिस इज द फेवरेबल आउटकम, दिस इज द टोटल आउटकम, तो पाई बाय 4 अपॉन 6 यानी कि पाई बाय 24, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लाई इनसाइड द सर्कल इज पाई अपॉन 24, गॉट इट, समझ आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच, ये आप खुद करना, इस तरह के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13 पार्ट 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, नहीं इवन इवन पार्ट्स विल बी योर होमवर्क पार्ट्स, और पूरा अच्छे से तरीके से करना इसका। मैम पाई बाय 4 कैसे आया एरिया का सर्कल, बच्चे आर हमें डायमीटर ऑफ सर्कल हमें 1 मीटर गिवन है, तो रेडियस 1/2 हो जाएगा। जब आप यहां पे पाई आर स्क्वायर में पुट करोगे तो दिस विल बी पाई बाय 4, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सम ऑन टू डाइस है। अच्छा देखो, सम ऑन टू डाइस, आपको पता है डाइस के नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो फर्स्ट डाई का मैंने लिख लिया, ये सेकंड डाई का मैंने लिख लिया, दिस इज योर 22nd क्वेश्चन, 21st इज यू हैव टू डू योर सेल्फ, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें क्या निकालना है, इवेंट क्या है, सम ऑन द टू डाइस, सम ऑन टू डाइस जब आप लेके चलते हो तो मिनिमम सम आपके पास कितना आएगा, 2, क्योंकि मिनिमम जो नंबर दोनों डाइस पे आ सकता है दैट कैन बी 1 and 1, तो उनका सम क्या हो जाएगा आपका, 2। इसी तरीके से मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12, यानी कि मैक्सिमम हम कहाँ तक जाएंगे, 12 तक। अब 2 के बाद 1 को ही पहले सबसे ऐड करो, 1 + 2 इज 3, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, अब नेक्स्ट इसी तरीके से 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एंड देन 12, 12 से आगे ये सम नहीं जाएगा, बिकॉज दोनों पे जो हमारा मैक्सिमम नंबर आ सकता है दैट कैन बी 6 and 6। तो अब इसमें हमें जो, अच्छा टू डाइस की आपको टोटल भी पता है कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती है टोटल, दैट इज 36। अब सम टू दोनों डाइस पे क्या आ गया, 1 and 1, पहली पे भी 1, सेकंड पे भी 1, तो इनकी पोजीशंस इंटरचेंज भी कर दें तब भी वो आपका सेम ही रहेगा, यानी कि ओनली 1 इवेंट इज देयर, सो दिस इज 1/36। 3 के लिए इट कैन बी इधर फर्स्ट डाई पे 1 आ गया, सेकेंड पे 2 आया, या सेकेंड फर्स्ट पे 2 आ गया, सेकेंड पे 1 आया, so this is 2/36। 4 के लिए 1 3 या 3 1 या 2 2। अब क्योंकि दोनों पे नंबर सेम है जब, तो पोजीशंस इंटरचेंज भी कर दोगे डिजिट्स की तो वो सेम इवेंट रहेगा आपका, तो दिस इज 3/36। 5 के लिए बताइए, 1 4 4 1 2 3 and 3 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, 4/36। अगला
सेवन के लिए 16, 61, 25, 52, 34, 43 और कोई है? कितने बने? ट्वेल्व में भी अगेन वन और सिक्स और सिक्स दोनों पे आएगा, तो दिस इज 1/36. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. उसके बाद वो कह रहे हैं, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11. डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर. एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं निकालनी चाहिए. टोटल जो नंबर्स हमारे, मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं, वो क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. टोटल कितने हैं? 11. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि जब 2 आएगा तो 1 out of 11, 3 आएगा तो 1 out of 11, 4 आएगा तो 1 out of 11. यानी कि हर एक के लिए दिस शुड बी 1/11. Is he correct in saying so? You are to justify your answer. If you say no, why? So ये भी sum ही है, 2 sum है, 3 sum है. वो किसका बता रहा है? उसने कहा sum बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बनेगा. Sum बनेगा ये. तो अगर वो sum का देखे तो sum हमारे पास total 11 बन रहे हैं. मतलब 11 फॉर्म्स में सम हमारे पास आ सकते हैं. आउटकम्स कितनी होगी टोटल? 11. तो अब वो कह रहे हैं कि 2 जो है, सम 2 एक बार, सम 3 एक बार, सम 4 एक बार, तो उसके हिसाब से 1/11 होना चाहिए. हाउ विल यू जस्टिफाई? सम जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं दे रहा. ठीक है, यू हैव सीन दिस. यहाँ पे सम आपका 2 है तो उसके लिए आपकी 1 इवेंट बन रही थी. सम 3 के लिए आपके पास 2 आउटकम्स बन रही थी. 4 के लिए 3 आउटकम्स बन रही थी, एंड सो ऑन. ऑल जो सम वाली इवेंट्स हैं ये, दैट आर नॉट इक्वली लाइकली, तो क्योंकि वो इक्वली लाइकली नहीं है तो हम इसलिए उसको 1/11 नहीं ले सकते. 1/ आप टोटल नंबर कब करते हो? जब आपकी इवेंट्स इक्वली लाइकली होती हैं. आपने कॉइन टॉस किया, इक्वली लाइकली चांसेस हैं, हेड आएगा, टेल आएगा, तो हम उसको 1/2 ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 आपने जो है डाई थ्रो की, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो अगेन उसकी जो हम लिखते हैं वो 1/6 लेके चलते हैं. भाविन, मैं कोई जोक सुना रही हूँ? फिर यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर बिजी इन लाफिंग. खुद भी हंस रहे, पीछे वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हो. सो इज दिस क्लियर? आगे समझिए. 23rd क्वेश्चन, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee क्वाइन 3 times. 3 times की आउटकम्स क्या बनती हैं? हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली जब आप 3 coins को टॉस करोगे तो इधर यू विल गेट 3 heads. सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? एक एच को टी से रिप्लेस कर दो. जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट है. अब 2 H रिप्लेस कर दो टी से, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और क्या रह गया? ऑल आर टेल्स. अब Noting its outcome each time, Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. इस पे विन कर रहे हैं और इस पे विन कर रहे हैं, बाकी सभी ऑप्शंस पे वो लूज कर रहे हैं. 6/8, 3/4 या 1 minus कर सकते हो आप. Then 24th question, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time?
अगेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस को हम एज्यूम करके चलेंगे कि वी आर थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, जैसे इसमें हमने किया था. तो सैंपल स्पेस 1 1, this is 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 and 6 6. अब क्या कहा उसने कि 5 will not come up either time. 5 किसी भी टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी दोनों में से किसी पे भी नहीं आएगा. तो एक 1 5 वाला केस, 2 5 वाला केस, 3 5, 4 5, 5 1, 5 2, 5 वाले ये 6 बन गए सारे, एंड देन 6 5. तो ये आ रहे हैं 5 वाले केसेस, इनको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर. कितने बन रहे हैं ये? 11 बन रहे हैं. तो 1 - 11/36 करोगे, 25/36 विल बी योर आंसर. गॉट इट? कि क्यों 1 में से माइनस कर रहे हैं? मैंने 5 वाले केसेस निकाल लिए, उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो आई गेट द केसेस की 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. 1 - 1 प्रोबेबिलिटी, सम टोटल 1 होता है ना, तो 1 - 11/36. 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आएगा. सेम यही केसेस बन जाएंगे, तो 11/36. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following arguments are correct and which are not? Give reasons. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 head, 2 tail or 1 of each. Therefore, the probability is 1/3. False. क्यों? क्योंकि पहले coin पे head, second पे tail, या पहले पे tail, second पे head, these are 2 different outcomes. So, it's false. If a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. This is true. So, this was your exercise 15.1. Tomorrow, we will start with exercise 15.2. If any doubt is there, just a moment, bachche.